स्वागत है फिर से आज की इस वीडियो में। और आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं, हाउ टू डिसाइड डिजाइनिंग चार्ज। दोस्तों, ये हमारे सामने बहुत बड़ी समस्या होती है। जब भी हमारे पास कोई डिजाइन करवाने के लिए आता है तो हमें पहले यह समझ में नहीं आता कि हम उसके लिए उसे कितना डिजाइन चार्ज करें। तो आज के इस वीडियो में इस प्रॉब्लम का हम आपको सलूशन बताने वाले हैं। हम आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझाएंगे कि डिजाइनिंग चार्ज कैसे डिसाइड किया जाता है और आपको किसी भी डिजाइन के लिए कितने पैसे लेना चाहिए। तो आइए, ये जानने से पहले हम कुछ अंदर की कॉन्सेप्ट की बातें समझ लें। दोस्तों, डिजाइनिंग चार्जेज डिसाइड करना सबसे बड़ी समस्या है। दिस इज द बिग प्रॉब्लम। सपोज करिए, यदि आपके पास कोई बिग क्लाइंट आता है, आप उसे लो बजट बता देते हैं, तो फिर आपके पास दोबारा ना तो कॉल आएगा ना तो क्लाइंट आएगा। सेम उसी तरह, यदि कोई स्मॉल छोटा क्लाइंट आपके पास आता है और आप उसे कोई हाई बजट बता देते हैं, हाई रेट बता देते हैं, तब भी आपके पास कॉल नहीं आएगा और ना ही वो क्लाइंट आएगा। फिर आपको क्या करना चाहिए? आपको रेट डिजाइनिंग चार्ज कैसे डिसाइड करना चाहिए जिससे कि लो बजट और हाई बजट के क्लाइंट दोनों ही आपके पास आए और आपसे काम करवाए। हम यहां पर आपको पांच थिंग्स कारणों के बारे में बताने वाले हैं जिसके आधार पे आप अपने डिजाइन के लिए रेट डिसाइड कर सकते हैं, जिसमें पहले नंबर पे है लोकेशन, सेकेंड क्लाइंट्स, थर्ड क्रिएटिविटी, एंड फोर्थ टाइम, एंड लास्ट योर स्टेटस। ये पांच फैक्टर बहुत ही ज्यादा मायने रखते हैं आपके डिजाइनिंग रेट के डिसाइड करने के लिए। तो आइए एक एक करके हम इन पांचों फैक्टर को पहले अच्छी तरह समझते हैं। लोकेशन फैक्टर। लोकेशन फैक्टर आपके डिजाइनिंग चार्ज को बहुत ही ज्यादा इफेक्ट करता है। आप किसी विलेज में रहते हैं, टाउन में रहते हैं, सिटी में रहते हैं या बिग सिटी में रहते हैं, इसके आधार पे डिजाइनिंग चार्ज डिसाइड किया जाता है। सेकेंड क्लाइंट फैक्टर। आपके पास जो क्लाइंट आया है, न्यू क्लाइंट है या ओल्ड क्लाइंट है, ये एक बहुत बड़ा मैटर है। क्लाइंट जो आपके पास आया हो वो कोई बहुत बड़ा बिग क्लाइंट है या स्मॉल बजट का क्लाइंट है, इस पे भी आपके डिजाइनिंग चार्ज डिसाइड होते हैं। और आपका क्लाइंट किस फील्ड, किस बिजनेस से रिलेटेड है, उसके बिजनेस के आधार पे भी हम डिजाइनिंग चार्ज को देखते हैं और डिसाइड करते हैं। अगला पॉइंट है क्रिएटिविटी फैक्टर। आपके पास जब कोई डिजाइन बनवाने आता है तो आप उसके डिजाइन में आप देखते हैं कि उसका काम किस लेवल का है, उसमें आपको कितने क्रिएटिव वर्क करना पड़ेगा। मच मोर, बहुत ज्यादा क्रिएटिव वर्क है तो उसके लिए आपको डिजाइनिंग चार्ज अधिक रखना होगा। बिल्कुल नहीं है, छोटा मोटा काम है, आप उसे 10 मिनट में करके दे सकते हैं, तो उसके लिए आप बजट कम रख सकते हैं। या स्मॉल या थोड़ा बड़ा काम है, यानी कि उसके काम में आपको कितना क्रिएटिव वर्क करना पड़ेगा, ये खुद से आपको डिसाइड करना होगा। टाइम फैक्टर। टाइम फैक्टर्स हमारे ख्याल से सबसे ज्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। आपको काम करने में कि कोई भी डिजाइन तैयार करने में आप कितना उस पर टाइम देते हैं, कितना उस पर समय देते हैं, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। आप डिजाइनिंग चार्ज का रेट टाइम फैक्टर को ध्यान में रखते हुए निश्चित रूप से डिसाइड करिएगा। और लास्ट फैक्टर है योर स्टेटस। आपको अपने स्टेटस के बारे में भी ख्याल रखने की जरूरत है। आप फ्रीलांसर लेवल के डिजाइनर हैं या प्रिंटर लेवल के डिजाइनर हैं,
डिजाइन एजेंसी लेवल के डिजाइनर हैं या किसी ग्लोबल एड एजेंसी के डिजाइनर हैं। ये सारे फैक्टर आपके रेट को डिसाइड करने के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये फैक्टर भी डिजाइनिंग चार्ज के लिए एक बहुत ज़्यादा मायने रखता है। आइए अब बात करते हैं कि ट्रू कॉस्ट ऑफ डिजाइनिंग सर्विस क्या होनी चाहिए। तो भाई मेरे हिसाब से तो ये क्रिएटिव वर्क है जिसका कोई कास्ट दे ही नहीं सकता, लेकिन फिर भी यदि घोड़ा घाट से दोस्ती कर लेगा तो खाएगा क्या। तो हमें अपने डिजाइन के लिए कोई ना कोई चार्ज लेना ही होगा, और ये वो पेज है जिसका आप इंतजार कर रहे थे, ट्रू कॉस्ट ऑफ डिजाइनिंग सर्विस। हम अपने सिटी की अगर बात करें तो यहाँ पे डिजाइनिंग चार्ज प्रिंटिंग के कास्ट में इंक्लूड होता है, अलग से सेपरेट डिजाइनिंग चार्ज नहीं किया जाता है। लेकिन फिर भी यदि हमें कोई डिजाइन सेपरेटली मिलती है, काम करने को मिलती है, तो उसका हम डिजाइनिंग चार्ज 500 टू 2000 पर डिजाइन चार्ज करते हैं। और ये सारी चीजें, ये 500 टू 2000 का जो एक डिफरेंस है, ये लोकेशन, क्लाइंट्स, क्रिएटिविटी, टाइम और योर स्टेटस यानी आपके लेवल पे डिपेंड करता है। तो आप इसी के हिसाब से डिजाइनिंग चार्ज कर सकते हैं। हम आशा करते हैं कि आपका ये डिजाइनिंग चार्ज का ये प्रॉब्लम अब बहुत हद तक सॉल्व हो गया होगा। आप इसको ध्यान से एक बार दो बार देखिए, समझिए और उसके बाद डिजाइन का चार्ज कोट करिए। एक नए वीडियो के साथ हम फिर मिलते हैं। टेक केयर, बाय बाय।